इन्वेस्टिगेशन अभी तक बस यही है खुदाई तौर पर कि उनका ये बताना है कि फायरिंग हुई है असर इकबाल पर, उनके बाजू पर फायर लगा है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कौन था फायरिंग करने वाला शख्स, अभी तक किसी भी शख्स को हिरासत में नहीं लिया गया है। नरोवाल की तहसील कंजरूर में कारकुनों से खिताब किया अहसन इकबाल ने, और खिताब करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, उस दौरान ये फायरिंग का वाकया पेश आया। अहसन इकबाल के बाजू पर गोली लगी और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहसन इकबाल की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, और ये सारी इतला जो मौसूल हुई है कुछ जराए से मालूम हासिल हुई है और कुछ उनके करीबी साथियों से, उनके कजन है इमरान, उन्होंने बताया है राना अंसर को कि अहसन इकबाल के बाजू पर फायर लगा है, गोली लगी है, अहसन इकबाल को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खिताब किया अहसन इकबाल ने कंजरूर में, तहसील है नरोवाल की, और काकरों से खिताब के बाद वो वापस जा रहे थे, उस दौरान ये फायरिंग की गई है। कितनी दूर से फायरिंग की गई है या करीब से फायरिंग की गई है, ये सब तहकीकात जैसे जैसे होंगी और तहकीकात से मुतालिक जो इतलात आएंगी, जो खबरें मौसूल होंगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक जो नाज़रीन ने अभी भी ज्वाइन किया, उन्हें बताया कि अहसन इकबाल पर फायरिंग का वाकया पेश आया, उनके बाजू पर गोली लगी है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और अहसन इकबाल की हालत खतरे से बाहर है। जलसे से खिताब वो कर चुके थे, जलसागार से वापस जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, गाड़ी में बैठने से पहले उन पर फायरिंग का यह वाकया पेश आया है। वफाकी वजीर दाखला अहसन इकबाल नारोवाल में फायरिंग से जख्मी हुए हैं। कंजरूर में जलसे के बाद वापस जाते हुए अहसन इकबाल के बाजू पर गोली लगी, अस्पताल मुंतकिल उन्हें कर दिया गया है, और उनके करीबी साथी का यही बताना है कि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस की जानिब से अब मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। जलसे से खिताब